यहां तक तो पहुंच गए कि नहीं? आर प्लस एच टू आर लिखा आपने, आर टू आर प्लस एच होगा, लिमिट की उल्टी कर दी है ना, आर टू आर प्लस एच, तो माइनस जीएमएम वन बाय आर प्लस एच तो फिर वही चौक रख दिए। माइनस है, अच्छा आर माइनस माइनस आएगा ये, तो वो फिर प्लस हो जाएगा। अब यहां से आर कॉमन लो, वन प्लस एच ओवर आर, यहां से आर कॉमन ले लो। अब यहां तक तो हो गया सबका जिन्होंने ट्राई किया। आफ्टर दिस पुट जीएम बाय आर स्क्वेयर, ये जो बना इसको स्मॉल जी पुट करोगे, बिकॉज स्मॉल जी इज जीएम बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। वन प्लस एच बाय आर एस का माइनस वन वी कैन राइट। ये देखो फिर दो बैठे हैं बच्चे, आ जाओ आगे। यहाँ क्या है, हाँ तो यहाँ आओ ना, ये देखो आपको ये वाली सीट दे रही, इतनी अच्छी, आओ इधर आओ, हरनूर आ जाओ। ये जी हो गया, एम जी एच हो गया, यहीं पे हो गया आपका, है ना। अब वन माइनस एच बाय आर, ऑब्वियसली एच इज लेस देन आर, तो बाइनोमियल इज एप्लीकेबल, वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद आप ये कहोगे कि एच इज लेस देन आर, सो एच बाय आर इज लेस देन वन, सो इट इज इग्नोरेबल, वी इग्नोर इट इन द एंड, वी इग्नोर इट, तो बस फिर ये आपका एम जी एच आर। वन माइनस एच बाय आर है, वन प्लस एच बाय आर होता तो थिंग्स वुड हैव बीन अदर वे राउंड, बट दिस इज वन माइनस एच बाय आर, तो एच इज लेस इन कंपेरिजन टू आर, तो फिर हम यहाँ पे आके उसको इग्नोर कर देंगे, तो एम जी एच हो जाए। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने देखा ही है कि जब कोई चीज उससे कम होती है वो वैसे ही उसमें आती नहीं है। जैसे मास ऑफ गोल्ड बॉक्स, उसमें गोल्ड पीसेस ऐड किए थे, बॉक्स का मास वही रहा क्योंकि पीसेस वर वेरी स्मॉल, तो ऐसे ही जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उतना ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो इसलिए हम पहले इग्नोर कर देते हैं उसको। तो दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली एम जी एच, दैट सेम थिंग। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी हैव डन। After this, our next topic is escape velocity. Very interesting topic, escape velocity. ठीक है, अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये चौक ही है, मैं इसको ऊपर गिराऊंगी क्या होगा, नीचे आ गया, थोड़ा और वेलोसिटी से ऊपर गिराऊंगी ये भी नीचे आ जाएगा, है ना, थोड़ा और स्पीड से मैं ऊपर फेंकूंगी क्या होगा, थोड़ा और टाइम लगेगा बट इट विल अल्टीमेटली कम बैक। व्हाई इज इट कमिंग बैक? बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल, हूज ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ, अर्थ की पुल की वजह से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसको ऊपर फेंकूं और ये वापस ही ना आए? हम ऊपर देखें चौक कहाँ गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता है, कब हो सकता है? हुँ।
जो रॉकेट्स होते हैं ना अर्थ के सरफेस से इसी प्रिंसिपल से भेजे जाते हैं बाहर. व्हाई आर रॉकेट्स यूज्ड? रॉकेट्स आर यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स को एक वेलोसिटी देनी पड़ती है जिसके बाद वो ऑर्बिट करना स्टार्ट करती हैं. एंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क रॉकेट्स आर यूज्ड. रॉकेट्स समटाइम्स इन सक्सेशन आर यूज्ड. एक रॉकेट से काम नहीं बनता, सीरीज ऑफ रॉकेट्स आर फायर्ड वन आफ्टर द अदर टू लॉन्च द सैटेलाइट. तो ये जो रॉकेट है अब वो अर्थ से बाहर कैसे जाएगा, उसकी पुल से एस्केप कैसे करेगा? तो उसके लिए एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाता है सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. मतलब मैं अगर चौक को एस्केप वेलोसिटी के से अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अप फेंकूं तो ये कभी वापस नहीं आएगा. Any object thrown this way, and again it does not depend upon mass of the object. चाहे हम rocket project करें, चाहे हम chalk project करें, उतनी ही velocity चाहिए from one particular planet. That minimum velocity that is required to make the object enter space after escaping the gravitational pull of Earth, such that it never comes back to the surface of Earth, that is called escape velocity. So it varies from planet to planet. जैसे acceleration due to gravity, planet के mass radius पे depend करती है. Same way, escape velocity also does not depend upon mass of object which is projected. तो एक planet के लिए same रहेगी. अर्थ के लिए पता है किसी को? 11.2 क्या? क्या कह रहे हो? 9. ये तो स्मॉल जी की वैल्यू, वो भी यूनिट भी ठीक नहीं है. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो ये है मैं चौक को नीचे गिरा दूं, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिर रहा है. हम तो इसको अब वर्टिकली अप मोशन की बात कर रहे हैं ना. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, नॉट मीटर. इतनी थोड़ी थोड़ी होगी, 11 मीटर पर सेकंड तो बहुत थोड़ी. 11 मीटर पर सेकंड मतलब 30-40 किलोमीटर पर आवर. इमेजिन करो एक कार 30 की स्पीड से जा रही है, ये तो बहुत कम हुई. इतनी स्पीड से हम चौक फेंकेंगे वापस थोड़ी आएगा, वापस आ जाएगा आई मीन, है ना. तो रॉकेट तो सिर पे आके वापस गिरेगा. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है. और मून की यही प्रॉब्लम है, मून हैज वेरी लेस वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड. Moon has quite a small value of escape velocity, 2.4 kilometer per second, because of which it could not hold its gases even. So the gases, they escaped from the surface of moon. That's why moon does not have any atmosphere. इसीलिए moon पे atmosphere ही नहीं, ठीक है. Moon has no atmosphere because of this reason. क्या रीजन है? स्मॉल एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून. हाउ मच? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड. सो बिकॉज ऑफ विच इट कुड नॉट होल्ड इट्स गैसेस ऑल्सो, ऑल द गैसेस एस्केप्ड फ्रॉम मून. सो दैट्स वाई इट हैज नो एटमोस्फियर, दैट्स वाई इट्स स्काई अपीयर्स डार्क और ब्लैक ऑल्सो. एटमोस्फियर नहीं है, स्कैटरिंग भी नहीं होती, तो इसका जो स्काई है स्पेस की तरह हमें ब्लैक या डार्क दिखता है. The color of sky on moon is black because of absence of air. तो यही बहुत सारी चीजें उससे आगे रिलेट हो जाएंगी. फाइन, इज दैट ओके? चलिए अब हम escape velocity की डेफिनेशन करते हैं, फिर डिराइव करते हैं. तो लिखिए escape velocity. मिनिमम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट, minimum velocity with which an object is projected vertically up from the surface of earth so that
इट एंटर्स द स्पेस सो दैट इट एंटर्स द स्पेस आफ्टर एस्केपिंग सो दैट इट एंटर्स द स्पेस आफ्टर एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ सो दैट इट एंटर्स द स्पेस आफ्टर एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड नेवर कम्स बैक मतलब अर्थ की ग्रेविटी से वो फ्री हो गई ऑब्जेक्ट, अब अर्थ उसको खींच ही नहीं सकती अपनी तरफ। क्या लॉजिक होगा इसका, ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे हम फ्री कर सकते हैं अपने आप को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से? हाउ कैन वी मेक आर सेल्फ फ्री? हाउ वी आर बाउंड टू द सर्फेस ऑफ अर्थ? आई टोल्ड यू थ्रू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी आर बाउंड, थ्रू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी ऑल आर बाउंड टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो अगर वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है वो अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाए, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाए, तो हम उसको एस्केप कर सकते हैं। अगर हम ये वाली एनर्जी किसी और चीज में कन्वर्ट कर दें तो हम अर्थ के ग्रेविटेशन से फ्री हो जाएंगे और स्पेस में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यही लॉजिक हुआ ना? सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दिस इज अर्थ, there is an object lying on the surface of earth having mass m, ठीक है? हमें इसको कहां लेके जाना है? इंफिनिटी में लेके जाना, स्पेस में लेके जाना है, मतलब इंफिनिटी में लेके जाना। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे डिस्टेंस के? r से लेके सरफेस पे है तो डिस्टेंस कितना है अर्थ के सेंटर से? r, r से लेके इंफिनिटी तक अब हम इसको इंटेग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में हमने इंफिनिटी से आर किया था, यहाँ पे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि वहां पास ला रहे थे, यहाँ दूर लेके जा रहे हैं, यहाँ डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन वी कांट डू दैट डायरेक्टली, सो वी विल टेक टू पॉइंट्स इन बिटवीन। तो लेट अस इमेजिन दैट दिस मास एम इज एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हाउ कैन वी राइट फोर्स बिटवीन देम? gmm by x square, and if we want to displace it to a point q through a small displacement dx, how much work has to be done? Force into displacement, ये जो gravitational force था इसकी direction किधर थी? I told you towards the heavier mass it will be always. ये जो force है ये किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ। और हम डिस्प्लेस कहां कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का नहीं आएगा या माइनस साइन नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा ना? आप यहाँ पे लिखिए कॉस 180 डिग्री या माइनस लिख दीजिए, बिकॉज हेयर वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना। और वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तब हम इग्नोर करते हैं व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बट हेयर दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट? सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस एफ हियर, अब लिमिट्स क्या होंगी हमारी? आर टू इंफिनिटी। चलो करो इंटीग्रेट इसको, बताइए फाइनली व्हाट डू वी गेट? सेम इंटीग्रल दैट वी सॉल्व यस्टरडे, करिए आप सॉल्व, एक जना यहाँ आके कर दे सॉल्व, कौन करेगा? हु कैन सॉल्व योर दिस इंटीग्रल? हु कैन कम ऑन द बोर्ड एंड सॉल्व? आप आओ, नमन आ जाओ, डू इट ऑन दैट साइड, बाकी करिए अपनी कॉपी पे।
बस बस ठीक है, नीचे लिख दो उसके, आर लिख दो। चलो माइनस जीएमएम कॉमन ले लिया है तो एक्स रेस माइनस टू हो गया, एक्स माइनस वन ओवर माइनस वन, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पहले, है ना। फिर आपने वन बाय इंफिनिटी माइनस वन बाय आर किया, वन बाय इंफिनिटी जीरो है तो ये आ गया माइनस जीएमएम बाय आर, ठीक है। अगेन दिस हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज इट इज बाउंड टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो नेगेटिव साइन हम ड्रॉप कर देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट विल रीच द स्पेस, बिकॉज इन स्पेस व्हाट हैपन्स, ये कहाँ जाएगी ये एनर्जी, इसका मतलब किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के टर्म्स में कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। So that means, where does this potential energy go? It is converted into kinetic energy. This is the main logic. हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कल हमने already derive किया था gravitational potential energy, GMM by R, हमें पता है। So ये main logic is this. वैसे भी अब derivation तो आनी नहीं है, आप ये skip कर सकते हो ये derivation, ठीक है? But just I wanted to tell you कि here we are moving in the opposite direction. अगर एमसीक्यू है फिर सब्जेक्टिव में तो आएगी, हाँ जी नाइन्थ में तो सब्जेक्टिव है आपका, मैं कंफर्म कर दूँ, वैसे होपफुली सब्जेक्टिव ही है ना, हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो आएगी। मेन लॉजिक क्या है, जीएमएम बाय आर दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी कौन सी है, वेलोसिटी कौन सी है, एस्केप वेलोसिटी वी। चलिए फाइंड करो क्या आंसर आ रहा है आपका, सो दिस इज द फॉर्मूला। वन मोर फॉर्मूला वी कैन हैव, इफ वी यूज जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई जी एम विल बी जी आर स्क्वायर, so substitute for this gm, put it equal to gr square, so it will become va is under the root gr square upon r, r will get cancelled, we get one more formula, so either of the two you can use now, so escape velocity is either under root 2 gr or under root 2 gm by r, ye learn kar lijiye, dono se koi formula use kar sakte। अब वैल्यूज पुट करें अर्थ के लिए, सॉल्व करें इसको फॉर अर्थ, व्हाट इज जी 9.8 एंड व्हाट इज आर 6400 किलोमीटर को मीटर में, हाँ चलिए सॉल्व करिए इसको एंड टेल द आंसर इन किलोमीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस द आंसर इन किलोमीटर पर सेकेंड नाउ, चलिए बताइए। Yes, anybody has solved? Tell me the answer. क्या आता है सॉल्व करके? Yes, Jatin. 11.2.
आपने रियली सॉल्व किया है? यस। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो चेक जरूर कर लेना है, मैं भी ऐसे बता ही सकती थी, पहले हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ, एंड यू कैन चेक द एक्सप्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम मास, मास ऑफ बॉडी दैट इज प्रोजेक्टेड। जिसको हम थ्रो कर रहे हैं उसके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना इसमें है ना इसमें। तो मेक इट अ पॉइंट कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड अप। तो इसको क्लियर करने के लिए राइट वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक तो मून वाला हो गया, एक और लिखिए। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क फर्स्ट। यस, राइट डाउन। अ डॉग, अ कैट एंड एन एलिफेंट। अ डॉग, a cat and an elephant are projected up from the surface of earth, are projected up from the surface of earth with escape velocity, are projected up from the surface of earth with escape velocity। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि विजिबल है कि कैट का मास कम है, डॉग का उससे ज्यादा है, एलिफेंट का सबसे ज्यादा है, मासेस विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट वो बताने के लिए। विच वन ऑफ देम विल रीच द स्पेस अर्लियर। कौन पहले पहुंचेगा? विच वन ऑफ देम विल रीच द स्पेस अर्लियर। हाँ, ऑल विल रीच द स्पेस एट द सेम टाइम बिकॉज escape velocity is independent of mass of object which is projected। तो ये object के mass पे depend ही नहीं करता है, इसलिए सब same time पे पहुंचे। Is that clear? Okay। अब हमारा next topic है ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी रिलेटेड टू द सैटेलाइट्स। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सैटेलाइट्स। हमारा फर्स्ट पार्ट था ग्रेविटेशन का, स्मॉल जी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड पार्ट वॉज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। थर्ड पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज नाउ ऑफ सैटेलाइट। So let us start with satellites। You know what is a satellite? What do you mean by a satellite? Heavenly body that revolves around a planet in a particular orbit। ठीक है, उसको कहते हैं हम satellite। For example, moon is the natural satellite of earth। There are so many artificial satellites that are sent in the orbits around the earth for various purposes। Can you name any artificial satellite? Aryabhatta, yes, or Sputnik, or INSAT satellite, INSAT series hai puri। IRS सैटेलाइट्स हैं, एप्पल है, एप्पल सैटेलाइट है। एप्पल की फुल फॉर्म क्या है? एप्पल सैटेलाइट की फुल फॉर्म क्या है? ये तो बेसिक चीजें हैं जी, जनरल नॉलेज की, ये तो आनी चाहिए आपको। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल की फुल फॉर्म क्या होती है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल, वॉट इज दिस पेलोड? पेलोड होता है द इक्विपमेंट, द डिवाइसेस कैरीड बाय अ सैटेलाइट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अगर वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम सैटेलाइट
सेंड कर रहे हैं तो वो कैमरास कैरी करेगी, कुछ डिवाइसेस कैरी करेगी, वो जो उनका लोड है उसको पे लोड कहते हैं, मतलब वो जो डिवाइसेस कैरी कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ऐसे ही जो वेदर फॉरकास्टिंग या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट भेज रहे हैं उसमें ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं ट्रांसपॉन्डर्स जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर भेजते हैं। तो इस तरह से वो जो डिवाइसेस कैरी करती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स उनको कहते हैं हम पेलोड। ठीक है, चलिए सैटेलाइट हो गया। डू यू नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? लॉन्च कैसे करते हैं सैटेलाइट्स को अर्थ के सरफेस से? वर्टिकली आप तो नहीं फेंकते उसको, क्या कह रहे हो आप? टेंजेंशियली से भी बेटर कोई टर्म है? दे आर प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। थोड़ा सा आइडिया दे रही हूं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग क्या है। ये अर्थ है जैसे हाइट से सैटेलाइट को किसी हाइट से लॉन्च करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम कुछ वेलोसिटी देंगे तो ये यहाँ कहीं स्ट्राइक कर जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह फॉल करेगी, यहाँ कहीं स्ट्राइक कर जाएगी। थोड़ी वेलोसिटी और इंक्रीज करेंगे, ये थोड़ा और डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी। अब हम एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, कि ये ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ ये कहीं पे भी स्ट्राइक नहीं करेगी अर्थ को, एंड इट विल स्टार्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। इट विल नॉट स्ट्राइक एनीवेयर, इट विल स्टार्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ। सो दैट मिनिमम वेलोसिटी required to do so, that is called orbital velocity. So it is minimum velocity required to put a satellite into its orbit. Minimum हम कितनी velocity दे रहे हैं कि satellite अपने orbit में घूमना शुरू कर, तो अब ये कहीं पे भी स्ट्राइक नहीं करेगी curvature of earth की वजह से, और दूर ये ऐसे कैसे स्ट्राइक करेगी यहां जाकर, तो वो घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो अब heading दे दो orbital velocity, VO, तो एक ये चीज याद रखिए कि सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। सेकेंड चीज है कौन सी वेलोसिटी से उनको लॉन्च किया जाता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट्स ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉकेट को एस्केप वेलोसिटी से भेजा जाता है, उस रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको कौन देगा, कहां से आएगी इतनी ज्यादा वेलोसिटी, वो रॉकेट्स की हेल्प से आएगी जिनको लॉन्च किया जाए। ठीक है, चलिए तो लिखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड to put a satellite into its orbit around the planet, into its orbit around the planet, so that is called orbital velocity. ठीक है, right? That is called orbital velocity. कल हमारा बस ये आर्टिकल्स रह गए दो,